और भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, मतलब न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके स्टार प्रचारक, अब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की है, रोड शो पर रोड शो आपके नेता कर रहे हैं, आखिर क्या लक्ष्य है हैदराबाद में इतनी ताकत झोंकने के पीछे? क्या योवेसी के साथ सीधा टकराव करके पूरे देश में ध्रुवीकरण की आपकी स्ट्रैटेजी है? अंजना जी, पहली बात तो ओवैसी जी से कोई हमारा टक्कर नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आप याद करिए, जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। विरोधी कह रहे थे ये गली के चुनाव में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरा है, तो नड्डा जी ने एक बात कही थी कि आज पूरे भारत में हर नागरिक को मोदी जी पे विश्वास है और कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। जिस तरह से केंद्र की जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैदराबाद में, इसलिए हम इसको वो चुनाव मानते हैं जो चुनाव संसद का रास्ता भी खोलेगा, वो गली का चुनाव नहीं, वो आम जनता का चुनाव है। दूसरी बात, जिस तरह से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और सांप्रदायिक राजनीति हैदराबाद में देखी गई है, उसका हम खात्मा करने आए हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि विकास के मुद्दे पे, हिंदू अस्मिता के मुद्दे पे और जो भ्रष्टाचार और वंशवाद है उसकी समाप्ति हो। और इसका बिगुल बज चुका है। आज जब श्री अमित शाह जी वहां पे रोड शो कर रहे थे, आप देखिए पूरा क्षेत्र भाजपा में हो गया था। जो उत्साह हमने कार्यकर्ताओं में देखा, ये बिगुल बजा है कि अब टीआरएस की खैर नहीं और भारतीय जनता पार्टी ये जो जीतने जा रही है। ये जो आपने हिंदू अस्मिता, ये जो आपने हिंदू अस्मिता कही, ये क्या हैदराबाद का नाम बदलने से आएगा? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आपकी तमाम नस्लें तबाह हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाइएगा। अंजना जी, दुख तब होता है जब असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं कि 800 साल से हमारी हुकूमत चल रही है, भाई आजादी को 70 साल हुए, आप क्यों कहते हैं कि हमारी 73 साल हुए, क्यों कहते हैं हमारी हुकूमत चल रही है? और इसीलिए चाहे श्री अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो और चाहे वो योगी जी हो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि सांप्रदायिक राजनीति हम नहीं होने देंगे। और ओवैसी जी ने अभी भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम लोगों की नस्ल खत्म हो जाएगी लेकिन नाम नहीं बदला जाएगा। ओवैसी जी याद करिए, आप कहते थे अनुच्छेद 370 करके दिखाओ, आप कहते थे राम मंदिर बना के दिखाओ, दोनों हुए। और आज हम कहते हैं कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को आप रोक सके, क्योंकि पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।